आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक फूलपुर मिठुनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 3 किलोमीटर है। 1100 वोट और 4000 वाले जनसंख्या वाले गांव के प्रधान सत्यपाल सिंह हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। 4 वर्ष में इन्होंने कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जबान। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। कहाँ के निवासी हूँ? मैं ग्राम फूलपुर मिठनपुर का हूँ और विकास खंड छजलैट है, जनपद मुरादाबाद है। सर, आपके यहाँ कार्यकाल को 4 वर्ष हो गए हैं। 4 वर्ष में आपने क्या क्या कार्य यहाँ गांव में कराए हैं, किस तरह से कराए हैं? हमने 4 वर्ष में जितनी भी सड़कें हैं गाँव की, इनमें वगैरह सीसी टाइल्स लगवाई हैं और शौचालय निर्माण कराया है और स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं खम्भों पर, सौर ऊर्जा लाइट लगवाई है, बस और यही कराया अभी तक। पंचायत ओडीएफ हो गई आपकी? जी। कितने शौचालय बने गाँव में? 100 तो बने हैं एसडीएम से और 76 बने हैं एलओबी से और 7 बने हैं एलओबी सेकंड से। प्रधानमंत्री आवास बने हैं? हाँ। कितने? 4 मकान बने हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा कितने लोग होंगे जो अभी पात्र व्यक्ति होंगे जो आवास चाहते हैं यहाँ? कम से कम हमारे गाँव में है 25-26 आदमी है जो आवास लेना चाहते हैं, उन्हें जरूरत भी है। स्कूल में क्या क्या कार्य कराया आपने? हमने स्कूल में सीसी टाइल्स लगवाई है और स्कूल की बाउंड्री करवाई है और शौचालय निर्माण कराया है। आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड लोगों के बने हैं गाँव? हाँ, सबके बने हुए हैं। सम्मान निधि का पैसा क्या किसानों खाते में मिला है यहाँ? हाँ, मिल रहा है लोगों को, जिनके जो गड़बड़ी थी खातों में फिलहाल उनका ही ना आ रहा है, बाकी तो सबको मिल गया। अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या आप सरकार से तुरंत मांग चाहोगे? भाई यही चाहते कि हमारे गांव के कुछ रास्ते भी ऐसे हैं जहां बहुत कीचड़ सी हो रही है, पर सरकार से यही है कि कुछ थोड़ा बहुत, हमारे ग्राम पंचायत छोटी है तो पैसा भी नहीं आता इतना। आंगनवाड़ी केंद्र है? आंगनवाड़ी केंद्र बन गया है। अस्पताल? स्वास्थ्य वो है स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल, उसमें कोई बैठता ही नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठता उसमें। अभी तक कोई डॉक्टर उसमें बैठता नहीं है? नहीं बैठा नहीं अभी तक।